गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगेन जो है अपन केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर अपन सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। राइट नाउ वी सी लाइक व्हेन वी आर रिएक्टिंग द मेटल विद द एसिड व्हाट फॉर्म्स। राइट सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी आर टेकिंग फेरस। फेरस या आयरन अपन लेते हैं, दैट फेरस और आयरन इज रिएक्टिंग विद द वाटर, सो रिएक्टिंग विद एसिड H2SO4. It is reacting with the sulfuric acid, right? Whenever metal reacts with acid, it releases a gas with a sound, pop sound. That gas is hydrogen gas, right? So metal is reacting with the acid and releases a gas. Right? जब भी metal जो है एसिड से रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद में ये जो है एक साउंड के साथ में, एक डिफरेंट सी साउंड या पॉप साउंड के साथ में एक गैस को प्रोड्यूस करती है, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा मेटलिक सल्फाइड जो है फॉर्म होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव विद एसिड्स, नॉन मेटल्स जो है ज़्यादा एसिड से रिएक्ट करती नहीं है। अगर अपन बात करें बेसिस की, बेसिस के अंदर भी सेम फिनोमिना होता है। मेटल्स जो है जब भी बेसिस से रिएक्ट करती हैं, दे प्रोड्यूसेस अ साउंड विद अ स्पेसिफिक गैस, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वी टॉक अबाउट सेकंड थिंग, दैट इज द रिएक्शन विद वाटर। एसिड के साथ में अपन ने कर लिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। व्हेनेवर मेटल्स आर रिएक्टिंग विद एसिड, दे प्रोड्यूसेस अ गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस विद अ साउंड, पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ में एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, ऑलराइट, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में, इफ मेटल्स आर रिएक्टिंग विद वाटर। अगर मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है? ऑलराइट, सपोज दैट इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ आयरन, आयरन वाटर से रिएक्ट करता है तो ये जो है मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। राइट, जब भी मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट करती है, दे फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड। यहाँ पे जो है जंग भी लग रही है, कोरोजन फॉर्म हो रहा है। व्हाई? बिकॉज आयरन इज रिएक्टिंग विद द वाटर। इसीलिए जो है अपन को आयरन को हमेशा पॉलिश पेंट वगैरह करके रखना चाहिए। पेंट अगर आप करके रखोगे ड्यूरिंग एट दिस सिचुएशन, पेंट करने के बाद में जो है आयरन कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इट बिहेव्स लाइक नॉन रिएक्टिव। कुछ ऐसी नॉन मेटल्स भी हैं जो कि वाटर से बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जो है रिएक्ट करती है, जैसे अगर बात करें सल्फर की। सल्फर जो है वाटर से रिएक्ट करने के बाद में फायर को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जनरली सल्फर को जो है वाटर से अवे रखा जाता है। कुछ और भी मेटल्स हैं, जैसे कि बात करें सोडियम, सोडियम जो है सोडियम को भी अपन को वाटर से दूर रखना चाहिए। वी शुड टेक अवे सोडियम फ्रॉम वाटर, बिकॉज इट ऑल्सो रिएक्ट्स विग्रेसली टू द वाटर, और जो है ये ब्रस्ट होने के चांसेस के बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे ये पानी के कॉन्टैक्ट में आता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आप दे रखी हैं। नॉन मेटल्स जो है वो एयर से बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, एयर से रिएक्शन नहीं करती हैं। ओके, नॉन मेटल्स के एसिड से रिएक्ट करती हैं, वो भी सेम होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है पॉप साउंड के साथ में। नॉन मेटल्स वाटर से भी बहुत लेस रिएक्टिव होती है। कुछ नॉन मेटल्स ही हैं जो कि वाटर से रिएक्ट करती है, बाकी ये सारी मेटल्स नॉन मेटल्स जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। ऑलराइट, मेटल्स तीनों से रिएक्ट करती हैं, यहाँ पे जो है ऑक्साइड फॉर्म कर रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है OH, और इसके अलावा इन सम सर्टेन सिचुएशन ये ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स। यही भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड इंक्लूडिंग नॉन मेटल्स, दोनों यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ऑलराइट, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आप पूछ लेना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।